खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से आ रही है, जहां जवा तहसील के पनवार थाना अंतर्गत पटियारी गांव के पास आज सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास ग्रीन वर्ल्ड स्कूल पिकअप वाहन और शुक्ला बंधु बस के जोरदार टक्कर से पिकअप वाहन में सवार 40 से ज्यादा बच्चे थे, जिसमें एक बच्चे की ऑन द स्पॉट मौत हो गई और सभी बच्चे घायल हो गए हैं, जिसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जवा में इलाज चल रहा है। 5 बच्चों की हालत नाजुक होने पर रीवा के लिए रेफर किया गया है, जिसकी जानकारी लगते ही पनवार थाना प्रभारी महेंद्र सिंह बघेल सहित थाना स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर घायलों को 108 की मदद से स्वास्थ्य केंद्र जवा पहुंचवाया है। बताया जाता है कि कोहरे की वजह से बस और पिकअप वाहन के आमने सामने से टकराने से पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए। उक्त पिकअप वाहन में प्रतिदिन क्षमता से ज्यादा बच्चों को भूसे की तरह भर कर बैठाया जाता था, जिसमें स्कूल प्रबंधन और वाहन मालिक की लापरवाही मानी जा रही है। कैसे क्या हुआ था? ड्राइवर खुद ही नहीं पता, हम लोग बातें कर रहे थे, हम और रामबाग की लड़की एक थे और अंकल जी पता नहीं कैसे लड़ा दिए उसमें और गेट भी नहीं खुला था आगे वाला, आर्य लोग उतार के फिर आगे क्या हुआ? ड्राइवर कहाँ गया? हाँ ड्राइवर हम लोग नहीं देखे, वहाँ भी पता नहीं कहाँ चले गए वो, और वो लोग वो हम लोग को पनौती बोल रहे थे। कौन ड्राइवर? हाँ, क्या नाम था आपका? ड्राइवर चाची बोलते थे। आपका क्या नाम है? भूमि सिंह। और तुमको क्या बोलते थे, पनौती हो? नहीं, हम सब लोग को आगे बैठे थे उसमें जो चलाते हैं गाड़ी से खींचते हैं उसमें लाने थे, तो बोलते पनौती हो तुम लोग। कितने बच्चे थे बेटा गाड़ी? 40-50 बच्चे। 40-50 बच्चे थे। हाँ, पूरे फिका गए गाड़ी से बाहर। भाई कहाँ था तुम्हारा? भाई कहाँ? नहीं निकाले उसको लक्ष्य को। हाँ, वो लोग निकल के फेंका गए थे। क्या हुआ था? अरे वो बस वाले आ रहे थे उधर साइड से, मेरे अंकल जी ले जाके उसमें छुआ दिए तो पूरा पर्दा ही ऊपर हो गया। पड़ गया। आप भी बैठे थे? किस क्लास में पढ़ते हैं? फिफ्थ। अरे देख ले ना, टाई रात तो नहीं टूटा, पहले ध्यान दे ले। ड्यूटी में है का।